सकते हो ऐसा मेरा घर, हमारा जंग इसमें चढ़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद फिर से स्वागत करता है ब्रेक बॉयस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आपको क्या लगता है आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो गाइस, आज का टॉपिक ये होने वाला है कि मेरा हालात और मेरा औकात में कैसे रहता है, क्या करता है और क्यों इतना देर लगाता है एक वीडियो में। तो गाइस, मैं सबसे पहले दिखाता है मेरा घर और मैं कहाँ जाता है काम और क्या काम करता है, मतलब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये मेरा घर, तो आपको अंदर से दिखाता है और बाहर से भी दिखाता है। सबसे पहले बाहर से दिखाएगा गाइस, ये पीछे की तरफ ये सारा दिखता है। ये है इधर, टॉयलेट भी है। ये बी बॉक्स है जो मैंने रखा है, बी तो है ही नहीं फिर भी। तो गाइस, ये रहा मेरा वॉल, देख सकते हो। ऐसे ऐसे आके ऐसे आगे की तरफ आता है कुछ इस तरह। और अम्मी क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हैं। और ये मेरा प्यारा सा, प्यारी सी मतलब मिशू है, जो मेरे साथ हमेशा रहता है। सबसे पहले बोलेगा कि ये मेरा बेडरूम मतलब ये बिस्तर मेरा। और ये मेरा कपड़ा इस तरह से कुछ रखा है, देख सकते हो। और इधर मेरा ये चारों तरफ वॉल, ऐसा है मेरा हालात कुछ। और ये मेरा भोले बाबा का भक्त हूँ मैं, तो भोले बाबा का इधर रखा है। और ये ट्रॉफी जो मेरे को GSTV में मिला था वो इधर रखा है। और ये तो पहले जो ज़माना में पहले रिचार्ज मिलता था ऐसा। और ये टेबल में खास एक लोग है जो मेरा हमेशा खास रहेगा। कौन है ये? ये रहा मेरी पप्पा, ये जो मेरे लिए बहुत खास है और हमेशा रहेगा, तो इसको रख देता है अभी। और ये लौकी सौकी किस तरह से रखा है, ये अमीर ने रखा है। कपड़ा भी इधर, ये बी बॉक्स है इधर, अंदर में भी है अभी भी, क्योंकि ऐसे ही रख दिया था मतलब। तो अंदर आके घुस गया तो मैंने रहने दिया, इधर ही चले ना जाए इसलिए बारिश की वजह से इधर ही आ गया था, तो यहीं रख दिया। और ये तरह से यह टपला टुपला है। और ये बाल को भी सजा के रखा है अम्मी ने, अम्मी का बिस्तर ये। और चारों तरफ देख सकते हो वाल कुछ तर, ये क्या बोलता है पता नहीं। और ये कूड़ा वगैरह सब। और किचन भी देख सकते हो गाइस, ये चूल्हा जला था अम्मी ने। ये मेरा कपड़ा इधर टांग के रखा है। तो गाइस, कैसा था मेरा, मतलब कैसा लगा मेरा ये बेडरूम और ये घर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्योंकि आज वीडियो नॉर्मल होने वाला है, मिस हुआ क्या मेरा। तो गाइस, आपको पता है मेरा खेत है, देख सकते हो कितना, फिर भी घर नहीं है। ऐसा मेरा घर कुछ इस तरह, खेत इस तरह दिखता है। और ये घर सरकार ये दिया नहीं है अभी, शायद कब तक आएगा पता नहीं, शायद देंगा नहीं देंगा हमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि हम ऐसे ही में खुश है बहुत। तो गाइस, अभी हम काम पर चलने वाले हैं और दोस्त लोग आए नहीं हैं। दोस्त लोग के साथ जाएंगे तो मैं उनको थोड़ा अवॉइड करेंगे, मतलब हम लोग करेंगे, आप भी है तो मैं भी है तो चलिए देखते हैं उन लोग को अवॉइड करेंगे और काम पर चलेंगे। क्या काम करता है आपको पता ही होगा ना? नहीं पता है तो बोल देता है, हम एक बिल्डर है, दूसरों का घर बनाते हैं लेकिन खुद का घर बना नहीं पाता है तो वेट करेंगे चलिए। ये मेरा अब्बा का डेड बॉडी मतलब इधर कबर। और ये इमली का पेड़। तो गाइस, मैं यहाँ पे पहले वीडियो बनाया करता था इस इमली का पेड़ पे। इधर आ गया नदी, इस पार खेत का नज़ारा देखो। तो गाइस, सभी को लगता होगा कि ये वीडियो बना के क्या साबित करने वाला है, लेकिन कुछ साबित नहीं होएगा भाई, मैं कुछ साबित करने वाला नहीं है। लेकिन कोई देखे या ना देखे, अपन बुढ़ापे पे जरूर देखेगा, उस वजह से आज का वीडियो चालू किया है। तो गाइस, अभी दोस्त लोग पहुंच गया है तो फेस करेंगे दोस्त लोग को।
है। तो गाइस रावरेमान देख सकते हो, इधर हमारे टीम पहुंच चुके हैं, कढ़ाई टूपी वाला लोग। तो अभी हम हमले पे जाएंगे। और इधर ये बॉडी वाला, क्या है इसका बॉडी देखो, वाह जॉन सीना। भैया बोलिए, ये टोपला में क्या है? ये मेरा कपड़ा है, आने का स्थान उधर नहा के आएगा और उसके बाद में गिरजा में घुसेगा। घुसेगा। और भाई ओए भाई, इस टोपला में क्या है? और वहाँ पे लड़ाई होगा ना, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, यहाँ सामान है, अभी लड़ाई करेंगे उधर। कढ़ाई टूटी है, कढ़ाई टूटी है, बहुत सेफ्टी करता है, इतना बड़का बड़का बमा फेंकता है तो मूड में नाचता है तो टूट जाता है। तो समझ गए होंगे, इधर कढ़ाई टोपी में युद्ध लगेगा, एमएलए मंत्री सब आया है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके सुबनसिरी बॉर्डर, अभी जंग लगेंगे उधर थोड़ा आगे जाके, है ना भाई? ये तो बेलचक उधर लेके सब रेडी है, डन 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 डन, साला कोई नहीं बचेगा आज। हाँ सब देगा डन डन। किधर है की जगह? इस तरह जो है हम यहाँ पे स्प्रे कर दोनों। हाँ का है नहीं है भाई, मेरे पास कांग्रेस का है, 10 रुपये भी नहीं है। अरे यार कैसा दो रुपये, इधर वाटर सप्लाई शुरू हो गई। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मतलब जंग का मैदान। हम फाइनली लौट के जा रहे हैं, हमारा युद्ध कैंसिल हो गया। युद्धों में पूरा एकदम गाड़ी कहा जेसीबी टैंकर से धुआं फेंक रहा है, हमारे पास टैंकर फेंकर नहीं है, इससे हम लोग अभी घर जा रहे हैं और टैंकर लेकर आएंगे और हम भी मारेंगे। तो चलिए गाइस। तो गाइस हम लोग फाइनली बेइज्जत होके आ गए हैं, रिटर्न हो गए। मेरे को रोने का मन कर रहा है यार, सुबह सुबह में यार खाना पीना भी नहीं खाया, इसे सुबह सुबह मुख के धोया, पहले पानी खाया और फिर लौट के आ गया। मैं तो कढ़ाई टुकी लाया, पूरा कढ़ाई टुकी उधर फेंका गया, पूरा टैंकर मार दिया मुड़ी में, दूसरा टैंकर कढ़ाई टुकी फट गया, अभी मुझको लेके आना पड़ेगा घर से। तो अभी हम दूसरे ओर पे जाएंगे अभी। अरे जंग जिधर भी करना पड़ेगा, लोग कोई भी हो वो पाकिस्तानी हो या फिर यूक्रेन वाले हो, हम युद्ध करके रहेंगे। हम तो हमेशा सबको सपोर्ट करता है। चलो भाई चलो चलो जीते रहो। तो गाइस फाइनली हमारा जंग इसमें चढ़ेगा, इधर देख सकते हो गाइस, तो इसमें अभी जंग चढ़ेगा। सो गाइस फाइनली ऊपर पहुंच गया, ये खुलने वाला है अभी, इधर भी खोलेंगे और उस तरफ फिट करेंगे। तो उस तरफ फिट करेंगे मतलब ये लाइन पे वहाँ तक पोस 1, 2, 3, 4 वाला, तो उसको फिट करके ढाल देंगे। घुटुंग उटुंग नहीं होएगा, देखो तो जा रहा है। ये साला चुतिया लोग देखो इधर, ये लोग अकेला अकेला खा रहा है। सुखा रोटी, लाल चाय। तो गाइस फाइनली हमारी सतरिंग बन के तैयार हो गया, ये फिट हो गया, अभी ये मसाला डालेंगे। तो ये मसाला रेडी कर रहे,
दिखाता हूँ। कंप्लीट हो गया हमारा ढलाई गाइस, और कैसा लगा आज के ब्लॉग? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट जरूर करना कैसा लगा। मेरा हिस्से हैसियत से ये आज का वीडियो बनाया था और यही था। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।